ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो यार आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मिलिट्री बेस। और गाइस मिलिट्री बेस हम क्यों जाने वाले हैं उसका मैं तुम्हें रीज़न बता दूं कि भाई यार जस्ट मुझे एक भाई टॉप सीक्रेट पता चला है, वो भी यार मेरे लीक से, ठीक है। और गाइस लीक ये कि भाई मिलिट्री बेस के अंदर भाई क्रैश हो चुका है एलियंस का UFO। बट यार वहाँ पे एलियंस नहीं पाए गए, बट यार वहाँ पे UFO क्रैश हुआ था समथिंग 1 या 2 बजे के करीब, ठीक है। और गाइस कल ही वो क्रैश हुआ था रात को। और गाइस मुझे लीक भाई जस्ट अभी पता लगी है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना वहाँ पे जाके चेकआउट करते हैं। और गाइस अगर तुमने यार पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी तो यार मिलिट्री बेस से हमने भाई पुरानी वाली वीडियो में बैटमैन की मोबाइल चोरी की थी, बैटमैन मोबाइल चोरी की थी, जो कि एक कार है जो कि यार मिलिट्री बेस वालों ने बनाई थी, ठीक है। तो अगर तुमने इस वाली वीडियो को देखा अभी तक नहीं तो यार जल्दी जाओ देखो भाई क्या कर रहे हो यार। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ से तुम उसे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम चलने वाले हैं अपने गैराज में। और गाइस मैं बता दूं मैं भाई मिलिट्री बेस के अंदर जाऊंगा, बट यार मैं उस वाली बैट मोबाइल को लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि यार तुम्हें पता ही होगी भाई टेक्नो गियर्स वाली कार जो मैंने छुराई थी लैम्बोर्गिनी सियान जब वो YTF में आए थे, ठीक है। तो यार ये वाली कार तो भाई मैं ले जाने से रहा कि मतलब भाई इतनी एक्सपेंसिव ये वाली कार है और गाइस बुलेट प्रूफ भी नहीं है। और भाई मुझे यार मिलिट्री बेस मतलब अंदर जाने के और मिलिट्री बेस से भाई लड़ने के लिए मुझे चाहिए होगी ये बुलेट प्रूफ कार जिसमें यार एंटी वेपन्स हो, ठीक है, एंटी बुलेट प्रूफ हो और मतलब बहुत तेज उसकी स्पीड होनी चाहिए, प्लस नाइट्रो। तो और मतलब ये सारी चीज़ तो इस वाली कार में है बट वेपन्स नहीं है। तो गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में बैटमैन की मोबाइल वाली कार, ठीक है, जो कि हमने स्टोल करी थी मिलिट्री बेस से। और वहाँ पे हम जाके देखेंगे भाई UFO का कार आखिर क्या सीन हो रहा है। और गाइस मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है कि भाई क्यों ना UFO का हम चुरा लें, बट यार पता नहीं है भाई जो न्यूज़ है फेक है रियल है वो तो अब जाके पता लगेगा, ठीक है। तो यार अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने गैराज में और जहाँ मैंने अपनी बैटमैन की मोबाइल को पार्क करी थी सबसे छुपा कर। तो अब भाई उसे यार खोलने का टाइम आ चुका है, चलाने का टाइम आ चुका है, बट यार उस वाली कार घर बिल्कुल मेरा ले जाने का मन नहीं कर रहा, बट यार फिर भी हमें ले जाना पड़ेगा। और गाइस एक तरह से तुम कह सकते हो कि उस वाली कार को हम वापस से भाई मिलिट्री वालों को देने वाले हैं, क्योंकि यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भाई हमें UFO को चुराना होगा तो बैटमैन वाली जो मोबाइल कार है उसे हमें भाई उनको देना ही पड़ेगा, एक तरह से आप कह सकते हो। बट यार सोच सकते हो UFO कितनी बड़ी बात है, और अगर भाई हमारे हाथ अगर UFO लगता है तो यार मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ होने वाली है, मतलब भाई जो मन चाहे वो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और गैस यहाँ पे तो मौसम भी देख सकते हो, ठीक है, अभी अच्छा खासा मौसम हो रहा है। और गैस पहले बता दूँ यार अभी लॉस सैंटोस में बहुत ही ज़्यादा कोविड के भाई केस बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, मतलब भाई रोज़ के रोज़ 10 से 20 हर केस आ रहे हैं। तो गैस अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो लॉस सैंटोस के आउट ऑफ मतलब कहीं भी जाते हो, अगर आप कहीं भी रहते हो तो भाई प्लीज़ यार मास्क लगा के रखो, ठीक है, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है। और मैं भी अभी लगा लूँगा मिलिट्री बेस के अंदर जाने से पहले। तो यार अभी जल्दी जल्दी यार चलते हैं अपने दूसरे वाले गैराज में बिना टाइम वेस्ट करे। सो गाइस फाइनली यार 10 मिनट की ड्राइविंग करते करते यार तुम्हारा भाई आ चुका अपने गैराज के ऊपर, दूसरे वाले गैराज में, ठीक है। और भाई जहाँ पे मैंने यार पार्क करी थी भाई बैटमैन की मोबाइल वाली कार जो कि यार मैंने मिलिट्री बेस से स्टोल करी थी, तुम देख सकते हो यार मतलब भाई कितना अमेजिंग लुक लगता है इस वाली कार का। और जो भाई इसके फ्यूचर हैं वो तो यार तुम्हें इस वाली वीडियो में देखने में मिल जाएंगे। बट अगर यार तुमने अभी तक यार मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें यार मैंने इस वाली कार को मिलिट्री बेस से स्टोल करा था, तो यार अभी तो जल्दी जाओ उसे वीडियो को चेकआउट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है। और गैस यहाँ पे फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान पार्क करने वाला हूँ। और गैस चलो यार अब जल्दी से चलते हैं मिलिट्री बेस की साइड और अपनी बैटमैन वाली मोबाइल को कार को लेकर चलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ, ठीक है, और देखते हैं भाई UFO क्या सीन है, ठीक है। तो चेकआउट करते हैं बाहर की तरफ। ओह भाई यार तुम देख सकते हो भाई पीछे से यार बहुत ही अमेजिंग इसका लुक लगता है। ओके सो लेट्स गो। सो गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते यार फाइनली यार जो हमारा भाई है मिलिट्री बेस की तरफ आ चुका है। और गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो अगर तुमने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो यार बिल्कुल हम अभी सही रास्ते पे रहे। और गाइस यहाँ से हमें जाके बस लेफ्ट लेना है और गाइस यहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस आ जाएगा, ठीक है। और गाइस यार आते आते यार मैंने कुछ वेपन्स भी बाय कर लिए थे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, एमुनेशन से। और भाई पूरी यार मैंने एमो वहाँ से बाय कर ली थी जितनी यार मेरे पे हो सकती है, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी यार यहाँ पे दिक्कत की बात ये होने वाली कि भाई एंट्रेंस मतलब भाई एंट्रेंस के अभी गेट के बाहर ही यार वो लोग मुझे फायरिंग करने वाले अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार वो देखती भाई कार पहचान जाएंगे कि भाई ये तो उन्हीं की कार है और भाई यही वो बंदा है जिसने यार कार चुराई थी, ठीक है। और सबसे पहले यार मैं अभी अपना मास्क पहन लेता हूँ जो कि यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो गाइज ओ भाई लिटरली यार मतलब क्या ही सीन हो रखा है, बट जस्ट अभी मैंने मास्क पहना और गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई मिलिट्री के यार यहाँ पे लोग आ रहे हैं,
आई गेस मिलिट्री वाले नहीं थे, बट यार उनका जो ट्रक है ना यार, ये सबके पास ये भाई यहीं पे सेम वाला ट्रक है, पता नहीं क्या सीन हो रखा है। बट यार फाइनली यार तुम्हारे भाई ने मास्क पहन लिया है, और गैस इससे यार हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। बट यार कार को देखते हमारे पर फायरिंग होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो यार अब जल्दी से बैठते हैं और मिलिट्री बेस की तरफ चलते हैं, कि भाई बहुत यार बूम बाम होने वाला है उधर की साइड। और भाई वेट भाई क्या ही सीन है यार, ठीक है। मतलब भाई बंदे कुछ भी करके जा रहे हैं, बट मैं अभी मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अगर ये मेरी साइड होते लॉस सेंटोस में, तब भाई इनकी तो मैं रेल बना देता, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ से यार बहुत ही बूम बाम होने वाला है गैस, और गैस सामने से हम देख सकते हो भाई ब्रिज, ब्रिज भाई क्रॉस करते ही गैस वहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस का गेट है, ठीक है। और गैस यहाँ पे जो यार व्यू मिलता है भाई लिटरली यार बहुत ही ऑसम मिलता है, ठीक है। और भाई धूप भी बहुत तेज हो रही है, ठीक है। तो चले अब जल्दी चलते हैं और बूम बाम करते हैं, ठीक है। ओके नाइट्रो यूज़ करते हैं, ओके। और गैस लिटरली यार अब तुम ओके, अबे चल मतलब भाई बता भी किसे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जल्दी से चलो यार अब अपना गेट खोल देते हैं हम, ठीक है, अंदर की तरफ, तभी हम एंट्रेंस कर पाएंगे। ओके तो गाइस जो हमारा गेट था फाइनली खुल चुका है, ठीक है। तो चलो यार अब अंदर की तरफ चलते हैं। और गाइस लिटरली यार जो तुम्हारा भाई है फाइनली यार गेट के अंदर तो आ चुका, बट यार यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई टैंक, भाई कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स भाई मिलिट्री के लोग आ चुके हैं, बट यार ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यार ये जो कार है यार भाई ऐसी बनाई है इन्होंने यार कि मतलब बुलेट प्रूफ है, मतलब भाई टैंक भी इसका एक बार को कुछ नहीं कर पाएगा, बट यार हमें भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, और भाई मैंने रेडियो ऑन कर दिया गलती से, ठीक है। तो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने UFO को ढूंढते हैं कि भाई आखिर कहाँ पे क्रैश हुआ है। और गाइस लिटरली यार भाई पीछे कितना बूम बाम हो रहा है, और गाइस यहाँ पे मतलब विंडो यहाँ पे ब्रेक कर दी है इस वाली कार की, ठीक है, बट कोई नहीं यार, ठीक है। और गैस यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई 4 स्टार की पुलिस हम पे लग चुकी है, बट फिलहाल अभी हमें कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और भाई इसके अंदर वेपन जिसकी मैं बात कर रहा था, ओके अभी पता नहीं फायर क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, आई गेस सब भाई अभी ही होना था क्या। ओके तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं, और यही वो रास्ता है जहाँ से हम पिछली बार आए थे। हो भाई लिटरली यार दो दो टैंक आपस में आ चुके हैं, बट यार फिलहाल ये कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, ठीक है। क्योंकि मतलब भाई कार ही ऐसी है बैटमैन की, ठीक है। ओके और गैस सामने की तरफ यार एक और कुछ टैंक्स और ट्रक्स हैं, आई गेस ये शायद वही वाला रास्ता होगा, बट हमें अंदर जाना ही होगा कैसे भी कैसे करके। तो मैं नाइट्रो यूज़ करने वाला हूँ। ओ भाई आराम से ओके। तो गैस यही वो अंदर का शायद एरिया है जिसके अंदर हमें जाना है, ओके। और गैस यहाँ पे कुछ चॉपर्स खड़े हैं, ओके, और यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स और जेट्स खड़े हैं, बट यार आखिर क्रैश हुआ कहाँ पे है यार। मुझे लीक से पता चला था कि भी भाई अंदर की तरफ यार कहीं पे UFO जो है क्रैश हुआ है, बट यार हमें ढूंढना पड़ेगा जल्दी जल्दी, कि भाई अगर सिचुएशन जो होगी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, ठीक है। बस 1 साल लगते ही भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का सीन हो जाएगा, बट फिलहाल है तो तुम देख दो भाई ऊपर की तरफ जेट भी आ चुके हैं, बट आई गेस ये हमारे लिए नहीं आ रहे, बट यार चॉपर भी आ चुका है। ओ भाई लिटरली यार अब जल्दी जल्दी भाई ढूंढना होगा कि आखिर UFO कहाँ पर क्रैश हुआ है, ठीक है। तो अपने काम पर लग जाते हैं। सो गाइस यार घूमते घूमते में भाई मिलिट्री बेस के अंदर 10 मिनट हो चुके हैं, बट यार UFO का अभी तक कुछ नाम और निशान भी नहीं मिला। बट यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना हम थोड़ी सी फाइट ले लेते हैं, बट इधर आ ही चुके हैं और भाई दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है इन सबको संभालने में, ठीक है। ओके तो चलो अब थोड़ी फाइट कर लेते हैं, बट यार ऊपर की तरफ ये भाई चॉपर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ओके चल निकल, ओके। और गाइस यहाँ पे कुछ कार्स भी आ रही हैं, अब निकल तेरी ऐसी की तैसी। ओके और गाइस लिटरली उस कार की तो मैंने बैंड बजा दी, और ये भाई सामने की तरफ आ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी चल। ओके तो गाइस ये भी ख़त्म, और गाइस ऊपर की तरफ यार बस ये भाई चॉपर वाले दिक्कत कर रहे हैं, बट इन्हें भी हम देख ही लेंगे, कोई और सा वेपन्स देखते हैं। और गाइस लिटरली यार उसकी भी मैंने ऐसी की तैसी कर दी तुम्हारे भाई ने, ठीक है। और सामने की तरफ निकल, तेरी ऐसी की तैसी साढ़े, मतलब गाइस माइकल कर रहा है बहुत ही हल्के में ले रहा है। और गाइस यहाँ पे तो माइकल की भी देख सकते हो यार कितनी सारी यहाँ पे बुलेट्स पड़ चुकी है माइकल को, बट फिलहाल अभी तक लड़ रहा माइकल भाई। इसके लिए एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब भी ठोक देना। और गाइस ऊपर की तरफ यार ये तो कुछ हमें दिक्कत नहीं करने वाली शायद, आई गेस ये बहुत ही, अगर ये आ गए तो भाई फिर तो हमारा खेल ही ख़त्म है, तेरी ऐसी की तैसी। तो आई गेस यार अब रास्ता जो है क्लियर हो चुका है, अब जल्दी जल्दी निकलते हैं और भाई UFO को ढूंढते हैं, ठीक है, और बाकी सबको छोड़ते हैं,
कि भाई अगर भाई मारने हम बैठे फिर तो भाई आने लगेंगे और भाई मारते हम रह जाएंगे, ठीक है। सो गाइज मिलिट्री बेस का ये वाला एरिया यार हमने पूरा चेकआउट कर लिया राइट साइड का, बट यार हमारा जो भाई लेफ्ट साइड का भाई उधर वाला एरिया रह रहा है, ठीक है। मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, तो गाइज ये अभी तक हमने चेकआउट नहीं करा। और गाइज जहाँ तक यार मुझे लगता है कि भाई UFO वहीं पर क्रैश हुआ होगा, क्योंकि यार अगर इधर कहीं आसपास होता तो भाई उसकी कुछ तो आइडेंटिटी मिलती है, तो भाई वो डायरेक्ट दिख जाता कि भाई UFO जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। और गाइज लिटरली यार यहाँ पे तो भाई कार की हालत देख सकते हो भाई, यार पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है, ठीक है। तो यार अब जल्दी चलते हैं भाई अपने लेफ्ट साइड का एरिया चेकआउट कर लेते हो भाई। ओ भाई ओ भाई क्या ही हरकत ही कर रहे हैं भाई, खुद ही जा रहे हैं खुद ही यार बम ब्लास्ट हो रहा है, मतलब भाई क्या ही सीन है, ठीक है। तो भाई लेफ्ट साइड का एरिया हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। और आई गेस इधर ही कहीं होगा, ठीक है भाई। कपड़े तो पहन लो यार भाई, बिना कपड़े पहने यार बताओ गन चला रहे हैं भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब भाई इधर का एरिया हम चेकआउट कर लेते हैं। और गाइस लिटरली यार यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई कितने सारे यहाँ पे टैंक्स और भाई चॉपर्स और भाई मिलिट्री बेस के सारे भाई पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे और सोल्जर्स आ चुके हैं, बट भाई फिलहाल तो अभी मैं सेफ हूँ। और गाइस UFO का अभी कोई नामो निशान इधर नहीं मिल रहा, बट यार आई गेस मुझे बाहर जाके चेकआउट करना पड़ेगा कार से, ठीक है। और गाइस जहाँ तक मुझे लगता है भाई इसी साइड के एरिया में भाई UFO कहीं क्रैश हुआ होगा। और गाइस फिलहाल तो मैं इनको क्लियर करता हूँ। ओके तेरी ऐसी तैसी भाई, ये बहुत परेशान कर रहा है तब से, तेरी ऐसी की तैसी। एक मिनट भाई, कहाँ से बंदे आ रहे हैं, कहाँ से भाई, क्यों भाई क्यों। ओके और भाई एक मिनट, तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल 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 निकल। ओके भाई यार भाई सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है। और गाइस चलो अब आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। और गैस फाइनली यार तुम्हारे भाई को यार फाइनली जो भाई UFO था वो दिख चुका आखिर कहाँ पे था, ठीक है। और भाई लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो भाई UFO यार कितना ही बड़ा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई यार बहुत यार नेक्स्ट लेवल की ये चीज़ लग रही है, ठीक है। और गैस इसके अंदर भाई तुम लाइट भी देख सकते हो भाई, लिटरली यार कितनी ज़्यादा औसम ये लग रही है। बट यार फिलहाल यहाँ पे जो यार पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। और आई गैस यहाँ से कुछ जल्दी से निकलना चाहिए। और गैस पता नहीं यार मैं ओपन कहाँ से करूँ इसको, ठीक है। आई गेस मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। और गैस फाइनली यार यहाँ पे भाई अपने UFO के अंदर बैठ चुके हो भाई, लिटरली यार तुम देख सकते हो यार कितना मतलब ऑसम लुक लग रहा है। और गैस लिटरली यार यहाँ पे भाई टैंक्स और भाई चॉपर्स और भाई कितने सारे पुलिस ऑफिसर तुम्हारे भाई को मार रहे हैं, बट भाई इस वाले UFO को कुछ भी असर नहीं हो रहा, ठीक है। और चलो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ओ भाई यार क्या ही उड़ रहा है वो भाई, लिटरली यार भाई यार बहुत ही गजब की चीज़ है, ठीक है। ओह भाई क्या ही लुक है इसका, ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो चलो अब जल्दी से जल्दी हम चलते हैं। और पता नहीं यार इसे ड्राइव कैसे करते हैं, बट आई गेस ओके इस वाले कंट्रोलर से शायद चलेगा ये। और ओके इससे तो फायरिंग होती है। बस फिलहाल तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ, क्योंकि यार यहाँ पे जो सिचुएशन थी भाई बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और गाइस यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। और गाइस लिटरली यार यहाँ पे तुम UFO की स्पीड जो देख सकते हो, ओ भाई लिटरली यार 300 प्लस जा चुकी है। ओ भाई यार एक एक सेकंड में भाई एक एक सिटी पार कर रहा हूँ, ठीक है। और गैस यहाँ पे हमारा लॉस सैंटोस भी आ चुका है लिटरली गाइस, मतलब भाई हमने यार भाई अपनी कार से यार डिस्टेंस जो था यहाँ का मिलिट्री बेस का मिनिमम यार 1.5 से 2 घंटों में कवर करा था, बट गाइस UFO से भाई वो चीज़ सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के अंदर कर ली, ठीक है। ओ भाई लिटरली यार यहाँ से हम पूरा लॉस सैंटोस देख सकते हैं। ओ भाई क्या ही सीन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। और गाइस तुम देख सकते हो अभी मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। ओ भाई लिटरली यार क्या ही सीन है, ठीक है। मतलब भाई एलियंस भी यार क्या ही चीज़ बनाते हैं, ठीक है। ओके और गाइस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है UFO के, तो आई गेस मुझे इस तरफ करना पड़ेगा इसे। ओके ओके चल सीधा हो सीधा हो सीधा हो। ओके तो गाइस यार मुझे मतलब इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी UFO कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात यार यहाँ पे ये होती कि भाई अभी पार्किंग के लिए भी यार मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, बट यार इसके अंदर का जो। और गाइस UFO को ड्राइव करते करते यार हम आ चुके हैं भाई एकदम भाई अजीब से आइलैंड पे, ठीक है। और गाइस मैं तुम्हें बता दूँ कि भाई इस UFO को भाई पार करने के लिए यार मेरे पास फिलहाल तो कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं भाई इस वाले UFO को भाई सेफली पार कर सकूँ। बट गाइस यहाँ पे एक मुझे आइसलैंड दिखा, ठीक है, आइलैंड दिखा जो कि यार बहुत ही छोटा है, और भाई इस वाले UFO के लिए भाई बिल्कुल ही सही जगह है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यार मैं पहली बात बता दी जो UFO है
ये भाई बुलेट प्रूफ है, ठीक है। तो अरे इसको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला यहाँ पे, और भाई डूबने का तो चांस ही है ही नहीं, ठीक है। और गैस यहाँ पे मैं तुम्हें भाई इसका सबसे मेन फीचर बता दूँ कि अरे जो UFO भाई, इसे जैसे मैं एक्सिट करूँगा, इसके बाहर आऊँगा, ये गैस अपने आप इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जब तक इसके अंदर कोई भाई एंटर नहीं होगा, तब तक ये भाई UFO वापस से उस जगह पे नहीं आएगा। तो सोच सकते हो कि यार कितनी ज़्यादा मतलब ये बेस्ट फ्यूचर है इस वाले UFO की, ठीक है। और भाई इसमें यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग वेपन्स हैं जिसके थ्रू यार तुम भाई यहाँ पे यार आ सकते हो, ठीक है। इस वाले आइलैंड पे आ सकते हो, डायरेक्ट इंपोर्ट हो सकते हो। और गाइस यहाँ पे तुम, यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाई दी थी, और इसके स्पीड और जो भाई इसके वेपन्स हैं वो तो भाई बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं इस वाले UFO को पार्क करने वाला हूँ सेफली। गाइस सबसे मुझे बेस्ट ये वाली जगह लगी, क्योंकि यार यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी दूर है यहाँ पे लॉस सैंटोस से, ठीक है। और भाई सबसे मतलब अलग ही जगह पे है, ठीक है। और ये माउंट चिलियार्ड के पास है, तो मतलब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और गैस यहाँ से मैं आ सकता हूँ, बस आने में जो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत की बात होने वाली, तो इधर मैं पार करने वाला हूँ। तो चलिए अब इसके बाहर आ जाते हैं, और गैस यहाँ पे मैं तुम्हें इसे इनविजुअल करके दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारा UFO कितना ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और गाइस इसकी जो लाइटनिंग यार पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लग रही है, ठीक है। और गाइस बस यार एक मिनट के अंदर भाई ये जो UFO इनविजिबल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तब तक हम वेट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो मौसम देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस फाइनली यार यहाँ पे भाई 10 से 20 मिनट वेट करने के बाद यार यहाँ पे यार रेस्क्यू टीम वालों ने यार मेरे लिए बोट यहाँ पे भेज दी थी, ठीक है। तो यार उनके लिए थैंक्स, ठीक है। और चलो यार अब जल्दी निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ, ठीक है। ओके, और गाइस यार वैसे यार मौसम तो यहाँ का बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए यार जल्दी जल्दी निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। तो गाइस वहाँ से यार मैंने टैक्सी कर ली थी, और गाइस फाइनली यार यहाँ पे हम आ चुके हैं माइकल के घर में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे $2 करते हैं, ठीक है। मतलब जो टैक्सी थी उधर की यार बहुत ज़्यादा चीप थी, ठीक है। और चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, तो गाइस फाइनली यार भाई आज का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा बूम बाम में निकल गया, ठीक है। बट यार फाइनली यार जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि भाई फाइनली हमें UFO मिल चुका है। मतलब सोच सकते हो भाई पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास भी UFO है ही नहीं। मतलब UFO भाई चीज़ ही, मैं क्या ही कह रहा हूँ, ठीक है। एलियन शिप मेरे पास आ चुकी है, मतलब सोच सकते हो कोई कहेगा भी नहीं कि भाई माइकल के पास ये ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से लाता है, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि यार तुम्हारे भाई के चैनल पे यार ऐसी जी डेवलप से रिलेटेड रोज़ वीडियोज़ आती रहती हैं, सीरीज़ आती रहती हैं। तो अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो और तुम देखना चाहते हो आगे की वीडियोज़, सो यार मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस आज की वीडियो तक, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।